ओके लास्ट क्लास सप्लाई हुआ था, सप्लाई का शेड्यूल वन शेड्यूल टू सेक्शन सेवन। ओके जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिविजन एक बार रिवाइज कर लेते हैं, हाँ बेटर रहेगा। गदर गदर टू से पहले गदर वन खाना स्विमिंग 10 मिनट का, क्यों रिविजन सर रिविजन बहुत इंपॉर्टेंट है, रिविजन हैंड रिटन नोट्स है मेरा सर, रिविजन का हैंड रिटन नोट्स है, दे देंगे क्या आपको, लिखना पड़ेगा, दे भी देंगे लिखना भी पड़ेगा, ठीक है वो सब दे देंगे धीरे धीरे करके ना, आपका नोट्स भर जाएगा, ठीक है धीरे धीरे करके आपका नोट बढ़ जाएगा। सर सप्लाई ओके सर सप्लाई कहाँ पे आ रहा था, सप्लाई सेक्शन सेवन, सप्लाई सेक्शन सेवन, आप लोग इसको नोट कर लेना प्लीज, ठीक है ये आपको ना हेल्प करेगा लास्ट टाइम रिवीजन का, लास्ट टाइम रिवीजन करने में हेल्प, लास्ट टाइम रिवीजन करने में हेल्प करेगा। सप्लाई क्या गवर्न करता है, सेक्शन वन सेक्शन सेवन वन, सेवन वन ए सेवन वन बी सी वन ए टू थ्री, ठीक है क्या क्या सेक्शन सेवन वन ए बी सी डी, सेक्शन वन ए बी सी वन ए टू थ्री। ओके पहले देख लीजिए क्या है सर, सेक्शन वन वन में क्या था एसटीडी बिल, सेक्शन वन ए में क्या था एसटीडी बिल, मतलब सेल ट्रांसफर डिस्पोजल बार्टर एक्सचेंज लीज लाइसेंस रेंटिंग, क्लियर है ठीक है क्लियर है, ये कौन था सेक्शन वन ए, और क्या होना चाहिए बी और सी, बी और सी मतलब चंटू बंटू होने चाहिए, चंटू बंटू होना चाहिए, चंटू बंटू मतलब बिजनेस के लिए होना चाहिए और कंसिडरेशन होना चाहिए, बिजनेस के लिए होना चाहिए कंसिडरेशन हो रहा है मतलब कि ये सारा एक्टिविटी हो रहा है और वो बिजनेस भी होना चाहिए और आपका कंसिडरेशन भी होना चाहिए, ठीक है प्लस उसके बाद क्या था डबल ए में क्या था सर, डबल ए में क्या था छोटा सा एक इंसर्टेशन था, क्या इंसर्टेशन था सर, इंसर्टेशन था क्या, क्या इंसर्टेशन था सर, इंसर्टेशन था क्या क्लब, क्लब और ट्रस्ट के मेंबर को भी सप्लाई देगा तो वो भी क्लब और क्लब और ट्रस्ट अपने मेंबर को भी कोई सर्विस देगा वो भी सप्लाई, समझना है क्लब और ट्रस्ट अपने मेंबर को भी सर्विस देगा तो वो भी सप्लाई है, क्लियर है क्लियर। दूसरा दूसरा क्या था सर, इंपोर्ट ऑफ सर्विस, इंपोर्ट ऑफ सर्विस में क्या है, इम्पोर्ट ऑफ सर्विस में क्या है, क्या देखें कंसिडरेशन, क्या भाई कंसिडरेशन मिल रहा है क्या, आंसर इज यस सप्लाई है, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी फैक्ट, ठीक है कंसिडरेशन मिल रहा है क्या, आंसर इज सप्लाई है इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी फैक्ट। दूसरा कंसिडरेशन मिल रहा है क्या, आंसर इज नहीं, आंसर इज नहीं, तो क्या
कंसिडरेशन नहीं मिल रहा है तो आ कहाँ से रहा है सर? आ रहा है फ्रॉम द डिस्टिंक्ट पर्सन और रिलेटेड पर्सन, आ रहा है फॉर फ्रॉम डिस्टिंक्ट पर्सन या रिलेटेड पर्सन को सप्लाई सर। पहला क्या केस है, केस है कंसिडरेशन मिल रहा है क्या, पैसा मिल रहा है क्या, मम्मी पैसा पैसा मिल रहा है क्या, आंसर इज यस तो सप्लाई है। दूसरा पैसा नहीं मिल रहा है तो कहाँ से आ रहा है, डिस्टिंक्ट पर्सन या रिलेटेड पर्सन से, तो सप्लाई है। अदर केसेस में सप्लाई नहीं है। तीसरा शेड्यूल वन, शेड्यूल वन हमारा क्या था, डीम सप्लाई। शेड्यूल वन क्या था, डीम सप्लाई। डीम सप्लाई में क्या था, आरबीआई करवा सकता है। आरबीआई क्या था सर, रिलेटेड पर्सन होना चाहिए, बिजनेस असेट्स डिस्पोजल और इम्पोर्ट ऑफ सर्विस। ध्यान दीजिए क्या क्या था हमारा, रिलेटेड पर्सन होना चाहिए, अगर रिलेटेड क्या प्रोविजन था, प्रोविजन था कि सर अगर रिलेटेड पर्सन है, रिलेटेड पर्सन है उससे हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, रिलेटेड पर्सन है उससे हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो भले ही कंसिडरेशन दो या मत दो वो सप्लाई मानेंगे। सर रिलेटेड पर्सन किसको बोलते हैं, रिलेटेड पर्सन डिस्टिंक्ट पर्सन किसको बोलते हैं, जो कंपनी का सब्सिडी सब्सिडी है। पढ़ते हैं क्या क्या रिलेटेड पर्सन में है। सर देखिए मैंने रिलेटेड पर्सन ही बना दिया, रिलेटेड पर्सन ही बना दिया, मैं चीट दे दूंगा आपको ठीक है। रिलेटेड पर्सन क्या है, क्या नाम है आपका, प्रांडिक। अब प्रांडिक क्या प्रॉब्लम है, प्रांडिक क्रांतित ना, क्रांतित क्या है, क्रांति क्या है, क्लास खत्म हुआ क्रांति क्या, चाय पी, भाई भी गया मैं भी गया। अब क्रांति क्या है, अभी जा रहा है वहां से दो लड़कियां आ रही, क्रांति क्या जा रहा है वहां से दो लड़कियां आ रही है, बोले सर वो रेड वाली है ना, रेड वाली सर, रेड वाली, हाँ सर बस वो रेड वाली। अच्छा हाँ सर ठीक है। अब लड़की जा रही है क्रांति कहाँ खड़ा है। अब लड़की चली गई साथ में, मैंने बोला भाई क्रांति एक बात बता, बोला तेरी वाली है, एक बार भी देखी नहीं घूम के। क्रांति बोला अरे सर क्या बोले, एक तरफा क्या है,
विवेक, एक तरफा प्यार नहीं होना चाहिए, एक तरफा प्यार नहीं होना चाहिए, दो तरफा होना चाहिए। मतलब सर बोर्ड डायरेक्टर ऑफ वन अनदर पर्सन क्या है कि बोर्ड होना चाहिए, डायरेक्टर होना चाहिए और एक दूसरे के बिजनेस में होना चाहिए। मतलब सर मैं हूँ और प्रांतिक है, मैं हूँ प्रांतिक है, उसके कंपनी में मैं डायरेक्टर हूँ, मेरे कंपनी में वो डायरेक्टर है। सेक्शन 15 सब्सेक्शन 5 में सर पढ़ेंगे ये, फिर विजिट करेंगे, ठीक है? जब सेक्शन 15 पढ़ाएंगे तब क्लियर होगा सर, ये शीट चला जाएगा आपके पास। लेकिन तब आप शीट पढ़ो ना तब तो याद आना चाहिए सर, ऑफिसर के लिए क्या बोलेंगे? प्रांतिक रेड वाली, ठीक है? लीगल पार्टनर एम्प्लॉय एम्प्लॉय रिलेशनशिप, ये पूजा, ठीक है? ये हम और हमारे और बाकी पेरेंट्स ग्रैंड मदर ब्रदर
सिस्टर्स डिपेंडेंट है, ये तो रिलेटिव हो गया, रिलेटिव पर्सन यही है, ठीक है सर। डिस्टिंक्ट पर्सन भी पढ़े थे याद है आपको, डिस्टिंक्ट पर्सन क्या होता है, प्रांतिक भाई मेरा बन गया सीए में, ठीक है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स 2030 आ गया, मैंने तो पढ़ाना छोड़ दिया, ऑयल में जॉब कर रहा था वो भी छोड़ दिया, अब स्टार्ट किया बिजनेस, कहाँ दुनिया जाने, स्टार्ट किया बिजनेस कहाँ दुनिया जाने। मैंने बोला भाई प्रांतिक मैंने बिजनेस तो स्टार्ट कर लिया, अब क्या करूँ भाई, मुझे अब बिजनेस को एक्सप्लोर करना है, मतलब कि क्या करना है इंडिया वाइज करना है। तो मैंने क्या किया, एक अपना बिजनेस कहाँ स्टार्ट कर लिया, दुनिया जान में था, प्रिंसिपल बिजनेस उसको बोलते हैं, मेरा जो मेन बिजनेस है, मेन बिजनेस मतलब कि रजिस्टर्ड प्लेस, रजिस्टर्ड प्लेस कहाँ है दुनिया जान। फिर मैंने क्या किया, गुवाहाटी में ले लिया, फिर मैंने आसाम में, मतलब आसाम कहाँ है, मतलब आसाम मतलब दुलियाजान, आसाम मतलब दुलियाजान, ठीक है। दुलियाजान में एक रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस किया, दुलियाजान में एक रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस किया। अब मैं गया प्रांतिक के पास, बोला भाई मेरे को मैं, फिर उसके बाद मैं क्या किया, कहाँ क्या नाम है उसका, स्टेट क्या नाम है, गुवाहाटी, मैं गुवाहाटी में भी एक बिजनेस सेटअप किया। फिर दिसपुर में भी एक बिजनेस सेटअप किया। अब मेरे को थोड़ा डर लगने लगा, बिजनेस तो बिजनेस सेटअप कर रहा हूँ लेकिन रजिस्ट्रेशन तो मैंने आसाम का ही लिया है। मैं गया प्रांतिक के पास, बन गया सीएमए। अरे भाई एक बात बता, मैंने बिजनेस स्टार्ट किया कहाँ, दुलियाजान में, फिर आसाम में भी खोला और दिसपुर में भी खोला अपना ऑफिस, मुझे रजिस्ट्रेशन लेना है क्या हर जगह। बोला सर ले लीजिए, कम से कम गुवाहाटी मत लीजिए तो दिसपुर तो ले लीजिए। तो बोले ठीक है ले लेता हूँ भाई, एक रजिस्ट्रेशन यहाँ भी ले लीजिए, ठीक है। अब क्या मेरा बिजनेस बढ़ रहा, प्रांति कहाँ चला गया है, सर आप कुछ आप कीजिए, मैं हूँ पीछे से आपको देखने के लिए। ठीक है भाई, तब तुमको लीगल देखना नहीं है। मैंने क्या किया ना, वेस्ट बंगाल में भी खोल लिया, बिहार में भी खोल लिया, यूपी में भी खोल लिया। बोले प्रांतिक खोल तो रहा है भाई, रजिस्ट्रेशन लेना। हाँ सर ले लीजिए ना, यहाँ मैंने रजिस्ट्रेशन लिया, सोचो यहाँ नहीं लिया। फिर एमपी में भी खोला, समझ में आया आपको सर क्या क्या खोला मैंने, मेरा रजिस्टर्ड बिजनेस कहाँ था, दुलियाजान में, देखो मेरा रजिस्टर्ड बिजनेस कहाँ था, दुलियाजान में, ठीक है। गुवाहाटी में मैंने ऑफिस खोला, दिसपुर में भी ऑफिस खोला, वेस्ट बंगाल बिहार यूपी एमपी में भी खोला, ठीक है। मैंने क्या किया, यहाँ रजिस्ट्रेशन नहीं लिया, यहाँ रजिस्ट्रेशन लिया, यहाँ रजिस्ट्रेशन नहीं लिया, यहाँ रजिस्ट्रेशन लिया, क्लियर। आप बताइए डिस्टिंक्ट पर्सन इसको मानेंगे कि नहीं,
कौन डिस्टिंग पर्सन है कौन डिस्टिंग पर्सन नहीं है भाई। ये डिस्टिंग पर्सन है कि नहीं, ये डिस्टिंग पर्सन है कि नहीं, ये डिस्टिंग पर्सन है कि नहीं, सर ये डिस्टिंग पर्सन है, ये डिस्टिंग पर्सन है। एक बात बताइए, यहाँ पे था मेरा रजिस्ट्रेशन, मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहा होगा, 18 से। जब मैं एक स्टेट में रजिस्ट्रेशन था ना, तो एक्चुअली मेरा यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है, लेकिन प्रांतिक चेक किया मुझे यहाँ पे भी रजिस्ट्रेशन मिला। लेकिन अब जब रजिस्ट्रेशन हो गया है तो ये दोनों क्या रहेगा, डिस्टिंक्ट पर्सन। ये डिस्टिंक्ट पर्सन होगा कि नहीं, नहीं होगा, ठीक है। ये डिस्टिंक्ट पर्सन होगा कि नहीं, उसके बाद सब डिस्टिंक्ट पर्सन होगा। ठीक है, मैंने अपने एक जिस स्टेट में रजिस्ट्रेशन लिया था उसी स्टेट में दो जगह और ऑफिस खोल दिया, ठीक है, उसके बाद अदर स्टेट में भी ऑफिस खोला, ठीक है, अदर स्टेट में भी ऑफिस खोला। तो जिस स्टेट में अगर मतलब जिस स्टेट में रजिस्ट्रेशन लिया था पहले ही, उस स्टेट में अलग से फिर रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं थी। सिंस मैंने रजिस्ट्रेशन ले लिया है तो वो रजिस्ट्रेशन नंबर और ये रजिस्ट्रेशन नंबर दोनों क्या रहेंगे, डिस्टिंक्ट पर्सन, क्लियर है। लेकिन जो जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं लिया है वो डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं मानेंगे, लेकिन अदर वाले सब रजिस्ट्रेशन अदर स्टेट्स वाले का डिस्टिंक्ट पर्सन उसको ट्रीट करेंगे हम लोग। आ रहा कि नहीं आ रहा, नहीं आ रहा समझ में, नहीं आ रहा समझ में, डिस्टिंग पर्सन में क्या है सर, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस कहाँ है, आसाम, दुलिया जान। मैंने रजिस्ट्रेशन कहाँ कराया, रजिस्ट्रेशन कराया गुवाहाटी में, लेकिन नामरूप में कराया क्या, नहीं कराया। यूपी में कराया, हाँ कराया। दिल्ली में कराया, नहीं कराया। महाराष्ट्र में कराया, नहीं कराया। पंजाब कराया, गुजरात में नहीं कराया, और कहाँ कराया, अंडमान में, आईलैंड, ठीक है। आप बताइए यहाँ पे डिस्टिंक्ट पर्सन कहाँ है सर, यहाँ पे सिंस मेरा आसाम में बिजनेस था तो मुझे दुलियाजान में गुवाहाटी में लेने की ज़रूरत थी क्या रजिस्ट्रेशन, सर लेने की ज़रूरत नहीं थी। एक स्टेट का एक ही रजिस्ट्रेशन होता है, ठीक है, लेने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैंने ले लिया प्रांतिक के बोलने पर। तो क्या हुआ, अब ये दोनों भी डिस्टिंक्ट पर्सन हो गए सर, ये इस पर रजिस्ट्रेशन नहीं लिया था, ये डिस्टिंक्ट पर्सन है क्या, आंसर इज नहीं है डिस्टिंक्ट पर्सन। अदर स्टेट में रजिस्ट्रेशन लो या मत लो, दोनों सारा डिस्टिंक्ट पर्सन है। डिस्टिंक्ट पर्सन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा सर, डिस्टिंक्ट पर्सन का अलग दूसरा पर्सन, भाई मेरा भाई है, ये मेरा भाई है, इसको मैं सेल करूँगा, इससे मैं परचेज करूँगा, तो आंसर जीएसटी होगा कि नहीं होगा, आंसर इज नहीं होगा जीएसटी। क्यों नहीं होगा भाई, सिमिलर है ना, लेकिन जीएसटी क्या बोलता है, जीएसटी बोलता है कि नहीं आप लोग अगर अलग अलग है तो हम उसको सेपरेट मानेंगे और आपको सेपरेट मानेंगे, डिस्टिंक्ट मानेंगे, एक नहीं मानेंगे दोनों को,
रिसीव मानी, ठीक है। तो आप दोनों के बीच में जो भी ट्रांजेक्शन होगा उस पर टैक्स लगेगा, ठीक है। नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है? सर यहाँ पे देखिए, हेजी है, ठीक है, लेकिन समझ में आ रहा है ना? हेजी है तो समझ में आ रहा है। सर हम लोग कहाँ पे है? समवेयर यहाँ पे, ठीक है, समवेयर यहाँ पे। अगर मेरा रजिस्टर्ड बिजनेस यहाँ पे है, रजिस्टर्ड बिजनेस यहाँ पे है, सोचिए ये रजिस्टर्ड बिजनेस यहाँ पे है और मेरा ऑफिस आसाम में ही खुला है, ठीक है, तो हमको मुझे अलग रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत है क्या? आंसर इज नहीं है। तो अगर रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है तो हम दोनों डिस्टिंक्ट पर्सन है क्या, अलग अलग पर्सन है क्या? आंसर इज नहीं है। क्यों? मैं रजिस्ट्रेशन नंबर में उसका ऑफिस दिखा दूंगा, ये मेरा ब्रांच ऑफिस है, समझ में आ रहा है? मेरा एक ऑफिस है आसाम में, दूसरा एक ऑफिस है गुवाहाटी में। मैं क्या बताऊंगा, मेरा हेड ऑफिस आसाम में है, एक ब्रांच ऑफिस है गुवाहाटी में, दोनों सेम रजिस्ट्रेशन नंबर से ऑपरेट करेंगे। गवर्नमेंट को टैक्स देना होगा तो सेम रजिस्ट्रेशन नंबर लेके गवर्नमेंट को टैक्स देंगे। आंसर इज करेक्ट। लेकिन एक ऑफिस है मेरा आसाम में, दूसरा ऑफिस है कहाँ, महाराष्ट्र में। तो क्या हम लोग सेम रजिस्ट्रेशन दे के ऑफिस ले सकते हैं क्या? नहीं। तो क्या अलग अलग पर्सन ट्रीट करना है क्या दोनों को? डिस्ट्रिक्ट पर्सन ना। अरे भाई तुम आसाम में सेल करोगे तो आसाम में सेल करेंगे तो क्या लगाएंगे सीजीएसटी एससीएसटी? आसाम में सेल करेंगे क्या लगा सीजीएसटी एससीएसटी? कौन सा गवर्नमेंट को टैक्स जाएगा, आसाम गवर्नमेंट को या महाराष्ट्र गवर्नमेंट को? सीजीएसटी एससीएसटी, आसाम में सेल किया सीजीएसटी एससीएसटी लगा। सीजीएसटी का किसको गया? एससीएसटी किसको गया? कौन सा स्टेट गवर्नमेंट को? अगर आप बोलोगे कि सर मेरा आसाम और महाराष्ट्र सेम है तो महाराष्ट्र वाले को तो टैक्स नहीं मिलेगा, समझ में आ रहा है ना? टैक्स नहीं मिलेगा। अब सिमिलरली महाराष्ट्र में सेल किए तो क्या लगाएंगे? सीजीएसटी एससीएसटी। तो सीजीएसटी में कौन सा गवर्नमेंट को टैक्स जाएगा और एससीएसटी में कौन सा स्टेट गवर्नमेंट? अगर आपका 28 स्टेट में रजिस्ट्रेशन है तो आप 28 बार सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्स देंगे, वो भी 9% सोच बड़ा करो, 18% भी देते हैं। आईजीएसटी में कितना देते हैं? 18% 28%, समझ में आ रहा है? आप समझ में आ रहा क्या? तो सर हम ये दोनों पर्सन को इक्वल पर्सन मानेंगे या अलग अलग पर्सन? अलग 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 पर्सन तो भी तो डिस्टिंक्ट पर्सन है। डिस्टिंक्ट पर्सन क्या है सर? मेरा रजिस्ट्रेशन महाराष्ट्र में है, आपका रजिस्ट्रेशन
आसाम में है, हम दोनों क्या है, डिस्टिंक्ट पर्सन है। सर मेरा रजिस्ट्रेशन कहाँ है, आसाम में, और आपका रजिस्ट्रेशन कहाँ है, बिहार में, हम दोनों क्या है, डिस्टिंक्ट पर्सन। सर मेरा रजिस्ट्रेशन आसाम दुलियाजंग में है, और आपका रजिस्ट्रेशन क्या है, मेरा दूसरा ऑफिस का रजिस्ट्रेशन कहाँ है, गुवाहाटी में। तो क्या हम लोगों ने अलग अलग रजिस्ट्रेशन लिया है, कि आंसर इज नहीं, तो सेम पर्सन, जरूरत नहीं था लेने का, लेकिन अलग अलग रजिस्ट्रेशन ले लिया है तो डिस्ट्रिक्ट पर्सन। आप समझ में आ रहा है, क्लियर है? अब इसको देखो, अब इसको देखिए, सर डिस्टिंक्ट पर्सन कब बोलेंगे, सर गुवाहाटी में रजिस्ट्रेशन लिए हैं, गुवाहाटी में रजिस्ट्रेशन लिए हैं, लेकिन नाम रूप में नहीं लिए हैं। सर गुवाहाटी में लेने का जरूरत था क्या, नहीं था, गुवाहाटी का रजिस्ट्रेशन लेने का जरूरत था कि नहीं था, अगर नहीं रहता तो ये भी डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं होता, अगर ये नहीं रहता तो ये भी डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं रहता, क्योंकि ये कौन सा रजिस्ट्रेशन नंबर यूज करता, 18, ये कौन सा रजिस्ट्रेशन नंबर यूज करता है, 18, ये कौन सा रजिस्ट्रेशन नंबर यूज करता है, 18, क्लियर है, क्लियर है? लेकिन आज का डेट में, आज का डेट में ये कौन सा रजिस्ट्रेशन नंबर यूज करेगा, 18, लेकिन इसका इसका जीएसटी नंबर डिफरेंट होगा, इसका जीएसटी नंबर और इसका जीएसटी नंबर डिफरेंट होगा, क्यों, अलग से रजिस्ट्रेशन लेके बैठा है, क्लियर है? सर रजिस्ट्रेशन लेना मतलब क्या था, जीएसटी नंबर कौन अलग करेगा, गवर्नमेंट जीएसटी नंबर कौन, सर मैं यहाँ गुड़ियाजंग एक ऑफिस मेरा है आपका ऑयल मार्केट में, दूसरा ऑफिस कहाँ है, दूसरा ऑफिस कहाँ है, सेकिया मार्केट, सेकिया मार्केट कहाँ है, गोगोई मार्केट, ठीक है, गोगोई मार्केट एक ऑफिस कहाँ है, सेकिया मार्केट एक ऑफिस, एक ऑफिस कहाँ है, गोगोई मार्केट। सर दो रजिस्ट्रेशन लेने का जरूरत है क्या, नहीं, सर ले सकते हैं क्या, लेकिन लेगा तो क्या बेवकूफ बोलेंगे उसको, लेगा तो बेवकूफ बोलेंगे, क्यों, एक ही स्टेट में दो हो सकता है, वही बोल दो बार दे रहा हूँ, हाँ दो अलग अलग नंबर हो। सर मैं कौन हूँ, नवीन, ठीक है, ये कौन है, गवर्नमेंट, ठीक है, एक ऑफिस मेरा कहाँ पे है, दुलियाजान में, दूसरा ऑफिस कहाँ पे है, गुवाहाटी में, ठीक है, ये रजिस्ट्रेशन नंबर इसको कुछ देगा, ये रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर कुछ देगा, अप्लाई किए ना, अप्लाई कर सकते थे क्या, हाँ कर सकते थे, करना चाहिए क्या, नहीं करना चाहिए, कर सकते थे, हाँ, तो सर ये दोनों रजिस्ट्रेशन नंबर सेम हुआ क्या, नहीं, पैन नंबर सेम हुआ क्या, यस, 18 भी सेम होगा सर, ये भी 18 होगा, ये भी 18 होगा, सेम होगा दोनों, 18 भी सेम होगा, बट मैंने आपको बताया था क्या रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, क्या है रजिस्ट्रेशन नंबर, क्या होता है सर, सर रजिस्ट्रेशन नंबर क्या होता है, 18, ये क्या था, स्टेट कोड, ठीक है, फिर ये पैन, फिर ये गवर्नमेंट नंबर, गवर्नमेंट नंबर, गुजरात में रजिस्ट्रेशन नंबर लिया, सॉरी आसाम में रजिस्ट्रेशन नंबर लिया, और ये रजिस्ट्रेशन नंबर दुलियाजान का है, और ये रजिस्ट्रेशन नंबर गुवाहाटी का है, तो सर ये यहाँ से यहाँ तक तो सेम होगा, ठीक है, लेकिन ये नंबर क्या हुआ, डिफरेंट,
क्लियर है? ये लास्ट का जो थ्री डिजिट नंबर है ना, ये क्या होगा डिफरेंट, बाद बाकी यहाँ से यहाँ तक सेम होगा, स्टेट कोड दोनों का स्टेट कोड सेम होगा, पैन नंबर सेम होगा, और लेकिन लास्ट का थ्री डिजिट यहाँ पर डिफरेंट होगा। क्लियर है? अब ये समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, दिल्ली में अगर रजिस्ट्रेशन नहीं, लेकिन ये मैंने सेम स्टेट का बात किया था, लेकिन यहाँ पे आपका डिस्टिंक्ट पर्सन होगा इररेस्पेक्टिव ऑफ रजिस्ट्रेशन। मतलब सर आप रजिस्ट्रेशन लो, मतलब डिफरेंट स्टेट में है ना डिस्टिंक्ट पर्सन, क्लियर है? डिफरेंट स्टेट में है डिस्टिंक्ट पर्सन, क्लियर है? यहाँ पे रिलेटिव भी समझ में आया सर? ये लीगल बिजनेस, ये एम्प्लॉय एम्प्लॉय, ये फैमिली, फैमिली में हम और हमारे और बाकी डिपेंडेंट्स, और ये कौन है? पूजा, ठीक है? इंपोर्ट ऑफ सर्विस, इंपोर्ट ऑफ सर्विस सर, इंपोर्ट ऑफ सर्विस में क्या देखना है? रोकड़ा, क्या देखना है? रोकड़ा, पैसा, पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है तो सप्लाई, पैसा नहीं आ रहा है तो कौन भेज रहा है? भाई बंधु, कौन भेज रहा है? भाई बंधु, तो पैसा, तो आपका सप्लाई, ये दोनों भाई बंधु ही है। तो फिर शेड्यूल वन में डीम सप्लाई क्या देखना है? सिर्फ बिजनेस होना चाहिए, इसमें क्या था? कंसिडरेशन होना चाहिए था, इसमें क्या था? चंटू बंटू दोनों थे, इसमें चंटू बंटू करण अर्जुन दोनों थे, इसमें करण है और अर्जुन, यहाँ करण और यहाँ अर्जुन है, मतलब सर इसमें सिर्फ बिजनेस होने से ही चलेगा, कंसिडरेशन नहीं देखना है, इसमें कंसिडरेशन देखना है, बिजनेस हो या ना हो मतलब नहीं, क्लियर है? सर इसमें क्या था आपका, इसमें क्या था सर? आरबीआई, आरबीआई देखना पड़ेगा इसमें, आरबीआई मतलब क्या? रिलेटेड पर्सन से ट्रांजैक्शन हो रहा है क्या, समझ में आ रहा है? रिलेटेड पर्सन कौन है बताया ना, रिलेटिव्स मेरा, या डिस्टिंक्ट पर्सन, डिस्टिंक्ट पर्सन होता ना सर, उससे ट्रांजेक्शन हो रहा है क्या? सर यस हो रहा है, तो कंसिडरेशन नहीं देखना है, सप्लाई है, कंसिडरेशन नहीं देखा है, सप्लाई है। फिर बिजनेस एसेट्स मतलब क्या है? अब मैं बुढ़ा हो गया, अब मैं बुढ़ा हो गया मैडम, एंटरप्रेन्योर बन गई है मैडम, एंटरप्रेन्योर बन गई है, मैं गया जाते हो मैडम से मिले, मैं यही तो पढ़ाया हुआ है, गया मैं मैडम के पास, बस सर आइए बैठिए, क्या किया तो सर कुछ खाना पीना? बोला नहीं नहीं मिला है, मैं निकल जाऊँगा। अब क्या मैडम बाहर से साफ कर दिया, टिंग टिंग आया ना, हाँ मैम, अरे वो कुछ लैपटॉप था ना पुराना वाला, तो अच्छे से पैक करके कर दिया, अच्छे से पैक करो सर, मैडम वो पैक करके सर आए हैं, तो लैपटॉप पुराना, बोला सर भी नया नहीं है, सर भी पुराना है, बुढ़े हो गए हैं, ठीक है। वो गया एकदम मस्त फ्रेश लैपटॉप को पैक वैक करके, रिबन लगा के एक फूल चिपका के, बस सर ये आपके लिए गिफ्ट,
सर आपके लिए गिफ्ट है, तो खुश हो गया वहीं पे। अब मैं जो खुश हो गया गया बाद में, तो सर एक और चीज है क्या, मैंने फोटो ले लिया सर, बस कोविड में ना बहुत चेंजेस नहीं होते थे, मतलब कि खाना दे के फोटो लेते थे, वैसे ही सर आपको लैपटॉप दे के मैं फोटो लेना चाहती हूँ। उस टाइम तो समझ में नहीं आया मुझे, मैं देखा कि उसमें ठीक है ले लेते हैं, मैं अपना मतलब क्या होता है, मैं अपना बड़ा समझ आता भाई, मैडम ने सर फोटो ले लेना, इतने बड़ी इंटरप्रेन्योर हो गई है, इंडिया टुडे मैगजीन में नाम है उनका, फोटो ले लें और लैपटॉप लेके मैं जा रहा हूँ बाहर बाहर दे रहा हूँ। अरे मैडम तो सबके साथ फोटो लेके आती है यहाँ पे, जिसको दे रही है और उसको क्या कर रही है, क्लेम कर रही है बिजनेस में। मैं तो चला गया खुशी खुशी, मैं खुशी खुशी लेकर चला गया। अब क्या हुआ मैडम, तो फिर मेरे साथ बहुत खराब, वहाँ खोला तो मुझे लगा एप्पल का आईपैड होगा, खोला तो देखा बोला पुराना एलजी का लैपटॉप, ठीक है। फिर वहां से क्या हुआ ना, घूमते घूमते मेरे फ्रेंड जीएसटी डिपार्टमेंट को मैंने बता दिया कैसे ऐसा भाई मिला रहा है, जीएसटी डिपार्टमेंट ने क्या किया, मैडम का ऑफिस पहुंच गया, मैडम हाँ मैम हाँ सर बोलिए, मैडम सुना क्या बिजनेस का एसेट बेचा है लैपटॉप, तो हाँ हाँ बेचा ना, बेचा नहीं दिया है, दान दान कर दिया, किसको किया सर, थे आए थे लैपटॉप जब तक खराब होगा वो भी चल रही है, लैपटॉप जब तक पूरा खराब होगा तब तक वो भी निकल देंगे, तो इक्वल ही हो जाएगा सर, मैडम इसके ऊपर तो जीएसटी लगे, अरे भाई फ्री में दिया है, फ्री में दिया है मैडम, फ्री में दिया है वो, हाँ सर मैडम जब आपने लैपटॉप खरीदा था तो क्या एंट्री लगाया था, लैपटॉप खरीदा था तो क्या एंट्री लगाया था, अच्छा लैपटॉप खरीदा था, लैपटॉप खरीदा था तो एंट्री लगाया था, बताएंगे एंट्री, लैपटॉप खरीदा था तो क्या एंट्री लगाया था, फिक्स एसेट्स तो जीएसटी टू बैंक, यही तो है सर, लैपटॉप खरीदा था 1,00,000 रुपया में, 18% जीएसटी दिया था और 1,18,000 रुपया का पेमेंट किया, यही तो किया था, ये एंट्री किया था ना, लैपटॉप खरीदा था 1,00,000 रुपया में, फिक्स एसेट में डाल दिया था, जीएसटी 18,000 दिया था, बैंक ने 1,18,000 पेमेंट किया। सर मैडम बोले, वो ऑफिसर क्या बोले, ओहो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि आपने क्रेडिट लिया था, हाँ तब तो सप्लाई है, और क्या सप्लाई, ड्यू सप्लाई, शेड्यूल वन उसमें क्या बोले सर, डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट्स, अगर फ्री में भी है कंसिडरेशन देखना है क्या, नहीं देखना है कंसिडरेशन, नहीं देखना है तो उसको सप्लाई मान लीजिए, क्लियर है ये, क्लियर है ये, क्लियर है सर। उसके बाद इम्पोर्ट ऑफ सर्विस, सर इम्पोर्ट ऑफ सर्विस क्या है, यही तो है, यही वाला केस है जो मैंने यहाँ डाला है, सेक्शन 1B में क्या लिखा, कंसिडरेशन होगा तो ऑलवेज सप्लाई होगा, सेक्शन 1C में क्या लिखा हुआ है, कंसिडरेशन नहीं भी होगा तो भी सप्लाई होगा, प्रोवाइडेड डिस्टिंक्ट पर्सन के लिए, क्लियर है, ये मैं दे दूंगा, ये मैं लैपटॉप में आपको ग्रुप में दे दूंगा, ठीक है, ये एक्चुअली आपको रिवाइज करने में इजी रहेगा। प्रिंसिपल एजेंट क्या है, अब मैडम तो हमको लैपटॉप देके निकल दी, मैडम तो हमको लैपटॉप देके
निकल दी। ये समझ में आ रहा है क्या आपको? देखो परमानेंट डिस्पोजल ऑफ एसेट्स, ये समझ में आ रहा है क्या आपको? हाँ सर, बिजनेस एसेट्स डिस्पोज कर दिया है फ्री में एक या कंसिडरेशन लेके किया है तो सर कहाँ कंसिडरेशन लिया है तो क्या सप्लाई नहीं है? एसेट्स कंसिडरेशन लिया तो भी सप्लाई है तो कहाँ चला जाएगा? 7(1)A में HTB BLELLR, ठीक है, वहाँ सप्लाई चला जाएगा। और उसके बाद कंसिडरेशन नहीं लिया तो कहाँ चला जाएगा? फ्री में। तो फ्री में क्या है? ITC लिया है, आंसर इज येस, डीम्ड सप्लाई। ITC लिया है, आंसर इज नो, हो सकता है। मैंने जान कुछ PPT में बना रखी बिकॉज टाइम कंस्ट्रेंट है, ठीक है। चार्ट बनाने में क्या फायदा है? उसको कहीं भी लिख सकते हैं, PPT बनाने में तो देखना पड़ेगा ना कहाँ लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। आई थिंक ये कभी भी कन्वीनियंस है आपके लिए, ठीक है। ये बेस्ट क्यों होगा? बेस्ट इसलिए होगा कि लास्ट टाइम आप रिवाइज करेंगे ना तो आपको चार्ट देख के रिविजन होगा, ठीक है। ऑफकोर्स लॉ पढ़ना जरूरी है, आंसर इज बहुत जरूरी है, बिकॉज ये लिखने आप तो एग्जाम में ये बना के आएंगे नहीं ना, आपको आंसर एग्जाम में लिखना पड़ेगा। प्रिंसिपल एजेंट, मैं आसाम में हूँ, मैंने अपना प्रिंसिपल एजेंट डाल के रखा है कहाँ पे? वेस्ट बंगाल में। अब मैं क्या करता हूँ? मैं अपना गुड्स भेजता हूँ प्रिंसिपल को, अपना एजेंट को अपना गुड्स भेजता हूँ और वो क्या करता है? बाद में सेल करता है, कमीशन भी लेता हूँ, ठीक है। तो उसको भी क्या करेंगे? डीम सप्लाई। कौन किसका डीम सप्लाई? हम मेरा डीम सप्लाई, ठीक है। देखिए सर, मैं प्रिंसिपल एजेंट, मैं कौन क्या हूँ? प्रिंसिपल। मैं क्या हूँ? क्या हूँ? प्रिंसिपल। ये कौन है? एजेंट। मैं कहाँ पे हूँ? State 1। तो प्लेस ए में, जरूरी नहीं है कि यहाँ पे हूँ, से आसाम में हूँ, ये भी आसाम में है। मैंने आसाम और वेस्ट बंगाल बोल रहा हूँ मैं, इसका मतलब ये नहीं कि डिफरेंस स्टेट में होना जरूरी है। ये भी आसाम में है, मैं भी आसाम में हूँ। दो चीज़ हो सकता है, पहला कंडीशन क्या होना चाहिए? इनवॉइस, मैं इनवॉइस इसको रेज करूँगा और अब वही इनवॉइस वो किसको दे देगा? कंज्यूमर को, होगा ना। प्रिंसिपल मतलब मैं इनवॉइस रेज किया और वो क्या किया? ले भाई इनवॉइस आया है, प्रिंसिपल क्या यहाँ से कंज्यूमर को दे दिया। या तो दो हो सकता है, या तो ये हो सकता है, इनवॉइस किसको मैंने रेज किया? ए को, किसको? अपना एजेंट को। और एजेंट क्या किया है? अपना इनवॉइस किसको दिया है? कंज्यूमर को, ठीक है। तो सप्लाई क्या मानेंगे? ये वाला सर, इसको सप्लाई नहीं मानेंगे क्या? इसको सप्लाई नहीं मानेंगे क्या? पहला कंडीशन क्या है? सप्लाई। कौन सा सेक्शन? सेक्शन 7(1)C। इसको सप्लाई नहीं मानेंगे, आंसर इज येस, इसको 7(1)A, ठीक है। 7(1)A क्लियर है वाला? नहीं है क्लियर? क्लियर नहीं है। मैंने मेरा एजेंट है कहाँ पे? बिहार में। मेरा एजेंट है कहाँ पे? बिहार में। और मैंने उसको बोला कि भाई तू मेरे बिहाफ में सेल करना, मैं बोतल पानी का बोतल भेजूंगा तेरे को और तू कंज्यूमर को दे देगा। तो बोला ठीक है, दे देंगे। तो जब मैं उसको जब भेजू पानी का बोतल भेजूंगा, वो पानी का बोतल कंज्यूमर को दे देगा।
होगा ना कि पैसा चाहिए, ठीक है, इनवॉइस किसको भेजेंगे, भाई इसको भाई साहब को भेजता हूँ, एजेंट है मेरा बिहार में साथ में, ठीक है, एजेंट है मेरा बिहार में। अब ये क्या करेगा कि मैं इसको इनवॉइस रेज करता हूँ और ये क्या करता है कि वो इनवॉइस को रख के अपना इनवॉइस कंज्यूमर को देता है, ठीक है। तो वो कहाँ पे, वो सप्लाई कहाँ पे होगा, मैं इनवॉइस रेज करता हूँ प्राथमिक को, मैं इनवॉइस रेज करता हूँ प्राथमिक को, और प्राथमिक अपना इनवॉइस रेज करता है किसको, कंज्यूमर को, ठीक है, ठीक है। तो वो सप्लाई है कि आंसर इज यस, कौन सा सेक्शन, सेक्शन 71C, ठीक है। मैं इनवॉइस सेल भेजता हूँ किसको, प्राथमिक को, और प्राथमिक क्या करता है, वो इनवॉइस उठा के अपना कंज्यूमर को दे देता है, बीच में वो अपना भाई मेरा कमीशन है, कमीशन ले आओ, मुझे उससे मतलब नहीं, ठीक है। तो वो कहाँ सप्लाई से होगा, 71A, क्लियर है। ये समझ में आया आपको, डीम सप्लाई, क्लास एंड तक रखते हैं, ठीक है, कल का डेट में, कल 2 बजे क्लास है, 3 बजे, 3 बजे, कल 3 बजे क्लास है, ठीक है, कल 3 बजे क्लास है, ठीक है, 3 बजे क्लास का हम लोग पूरा सप्लाई खत्म करेंगे, ठीक है, हम लोग का बहुत लेट हो रहा है, फिर से रिवाइज कर ले रहा हूँ, प्लीज़ आप लोग घर पर पढ़िएगा इसको, मैं ये शीट दे दूंगा आपको, अगर कोई घर पे नहीं पढ़ रहा ना तो समझ लीजिए आगे पढ़ेगा पीछे भूलेगा, उसको याद नहीं, वो रिटेन नहीं कर पाएगा सर, कम से कम ये रिटेंशन लेवल आपका होना चाहिए सर, क्या है यहाँ, ठीक है। 71A में क्या था, HTTPLR BLC होना चाहिए, ठीक है। इम्पोर्ट ऑफ सर्विस में क्या देखना है, कंसिड्रेशन, ठीक है, कंसिड्रेशन नहीं हुआ तो किससे आया है देखना है, डिस्टिंग पर्सन रिलेटेड पार्टी से आया है तो सप्लाई, नहीं तो नो सप्लाई। शेड्यूल 1 में क्या है, RBI रिलेटेड पर्सन बिजनेस एसेट्स इम्पोर्ट ऑफ सर्विस, ठीक है, और प्रिंसिपल एजेंट ऑफ बिजनेस। रिलेटेड पर्सन मतलब क्या है सर, मेरा बिजनेस है यहाँ पे, मेरा बिजनेस है यहाँ पे आसाम में, और मैंने गुड सेल किया कहाँ पे, गुजरात में, गुड सेल किया गुजरात में, सर मुझे पैसा नहीं आया, पैसा नहीं आया तो भी सप्लाई है, ठीक है, पैसा नहीं आया तो भी सप्लाई, सर मेरा बिजनेस है आसाम में, मैंने गुड सेल किया गुजरात में, किसको सेल किया है सर, मेरा ही कंपनी का है, मेरा कंपनी का रजिस्ट्रेशन है, मैं कौन हूँ, नवीन लिमिटेड, वो कौन है, वो भी नवीन लिमिटेड, तो दो अलग अलग रजिस्ट्रेशन, हाँ सर अलग अलग स्टेट में अलग अलग रजिस्ट्रेशन चाहिए, तो मेरा गुड्स था मैंने वहाँ पे भेज दिया, मेरा गुड्स था यहाँ पे मैंने वहाँ भेज दिया, लेकिन पैसा कभी नहीं आया सर, पैसा का जरूरत नहीं है सर, बिजनेस के लिए भेजा ना, आंसर इज येस, तो सप्लाई है, समझ में आ रहा है। दूसरा, बिजनेस एसेट्स बेचा, पुराना बिजनेस एसेट्स का बेच दिया, एंड क्वेश्चन ITC लिया है क्या, आंसर इज यस, ITC लिया है तो आपका सप्लाई, ITC नहीं लिया तो नो सप्लाई। इम्पोर्ट ऑफ सर्विस वही वाला है, प्रिंसिपल एजेंट में क्या है कि सर मैं अपने एजेंट को गुड्स भेजता हूँ, और वो क्या करता है, वो गुड्स को कंज्यूमर को बेचता है, तो मैं जो एजेंट को भेज रहा हूँ वो सप्लाई है, आंसर इज यस, ठीक है सर, मैं एजेंट को भेजता हूँ और वो क्या करता है, ऑन माई बिहाफ उसको बेचता है, तो वो भी सप्लाई, आंसर इज यस, लेकिन वो सप्लाई कहाँ पे है, वो सप्लाई है यहाँ पे, और जो नीचे वाला था ना, जो इनवॉइस आप खुद से देता है, वो सप्लाई कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है, नहीं आ रहा समझ में, क्लियर है। कल हम लोग यहाँ स्टार्ट करेंगे।
कल हम लोग करेंगे शेड्यूल टू शेड्यूल थ्री, शेड्यूल टू शेड्यूल थ्री। मैं ये वाला सेट दे दूंगा, मैं दे ही दे रहा हूँ अभी, ठीक है। अच्छा एक चीज़ है, हम लोग को कितना पढ़ना है ये तो मैंने आपको कहीं बताया ही नहीं है। ये रहा देखिए, इतना पढ़ना है हम लोग को। इतना पढ़ना है सर, क्या क्या है? प्रीलिमिनरी, शॉर्ट टाइटल, डेफिनेशन, सेक्शन चैप्टर वन में सेक्शन वन, सेक्शन टू, सेक्शन टू क्या डेफिनेशन, डेफिनेशन का भी एक अलग से क्लास होगा। फिर एडमिन सेक्शन थ्री, ऑफिसर्स सेक्शन फोर, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर्स सेक्शन फाइव, पावर्स ऑफ ऑफिसर सेक्शन सिक्स, ऑथराइजेशन ऑफ ऑफिसर्स सेवन, स्कोप ऑफ सप्लाई हम लोग अभी ये पढ़ रहे हैं। फिर टैक्स लाइबिलिटी ऑफ कॉम्पोजिट सप्लाई एंड मिक्स सप्लाई, लेवाई एंड कलेक्शन, कॉम्पोजिशन लिवी एंड ग्रांट फ्रॉम एग्जेम्पशन। सर हम लोग को कल ये कंप्लीट करना है, ये वाला चीज़ कल हम लोग को कंप्लीट करना है, ठीक है। ये भी मैं आपको वहाँ पे दे दूँगा, ठीक है, आप देख पाएंगे। ओके, ऑनलाइन क्लास ऑनलाइन क्लास कल 2 बजे, हाँ 3 बजे, ओके। Gracias.